मन में दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए कहा जाए आखिर कहां अपने मन की भड़ास निकालें। इस सवाल को जवाब अब इंदौर के एक कैफे में मिल जाएगा जहां आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं और तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। जी हां, अब इंदौर में खुल चुका है भारत का पहला भड़ास कैफे जहां आप निकाल सकेंगे अपने मन की भड़ास। वैसे तो भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, लेकिन गुस्सा है कि आ ही जाता है। ऐसे में अब अपने गुस्से को किसी अपने पर निकालने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इससे बचने के लिए अब एक कैफे खुला है जहाँ पर आप जमकर तोड़फोड़ कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पर अपने मन की भड़ास निकालना है। मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ। दिन भर काम करो, शाम को जाओ, कोई ना कोई बहाना। रोज परेशान हो गया था। कभी दिल में इच्छा होती है कि जाके सब घर का बर्तन वर्तन तोड़ डाल के फेंक दूँ मैं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता हूँ क्योंकि बीवी डरना पड़ता है, सबको डरता है। ये मुझे मिला है, दिल से आज तोड़ा है, आके आप हमेशा तोड़ते रहूँगा मैं। मुझे ऑनलाइन पता चला कि यहाँ पर एक कैफ़े खुला है जहाँ पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान थी क्योंकि वो मुझे शायद डिच कर रहा था कहीं ना कहीं, तो फिर मुझे फील हुआ ऐसा गुस्सा तो बहुत आ रही थी कि मैं उसको बहुत जाकर उसके घर पे मारूं। पता चला तोड़फोड़ कर सकते हैं, मैं फील कर रही थी मैं उसे ही मार रही हूं क्योंकि उसने मेरे साथ ठीक नहीं करा, उसे तो मार नहीं सकती हूं। यहां पर आई, पूरा गुस्सा निकल गया। आई फील सो रिलीफ। देखिए, मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, पिछले 15 साल से क्रिएटिव फील्ड में हूँ। कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होती थी। अमेरिका, USA या ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह पर एंगर रूम है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और बचपन की कुछ यादें, बचपन में सामान तोड़ फोड़ के लिए जब डांट पड़ती थी या माता पिता की तरफ से मार पड़ती थी, वो दिमाग में लेने के बाद, और यूथ इस वक्त जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, यानी रास्ता कुछ भी हो तो उसके अंदर गुस्सा भरा होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन कल्चर के हिसाब से ये भारत का पहला कैफ़े और पहला हमने भड़ास करके एक कैफ़े जो शुरू किया है।